हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को साइंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2022 में सीधे सीधे आपके पेपर में क्वेश्चंस छपेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आप सभी के डिमांड पर ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से बच्चों ने चैनल पर कमेंट किया था कि सर, जितने भी विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के सारे आप मेरे को बता दो, ताकि मैं एग्जाम में जाकर के 90% आसानी से स्कोर कर सकूं। फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आप बोलोगे यहाँ पे कि अगर एमसीक्यू चाहिए, तो आप बोलना कि एमसीक्यू का पूरा यहाँ पे कंटेंट तैयार है। अगर आप बोलोगे तुरंत बना दूंगा। अगर आप बोलोगे कि सर पूरे फिजिक्स का या पूरे साइंस का आप न्यूमेरिकल करवा दो, तो उसका भी कंटेंट तैयार है, मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक ना। बस खाली आप चैनल पर कमेंट कर दो कि सर इसका कंटेंट चाहिए, मैं तुरंत एकदम जस्ट कमेंट करने के बाद 1 घंटा या 2 घंटे बाद आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए जितने भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विज्ञान के, आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा जानेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना पूरा का पूरा यहाँ पर, अगर आप 90% कोई नहीं आपको रोक सकता है कि आप स्कोर कर पाओगे, ठीक ना। कोई नहीं रोक पाएगा, मेरा ये विश्वास है, दावा रखो। 4 अप्रैल को अगर आप धुआं धुआं करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, तैयार करना है सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसका SI मात्रक, MKS मात्रक, CGS मात्रक, आपको प्रतिरोध का याद रखना है, ठीक ना। समझ रहे हैं बातों को? तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, क्या है विद्युत प्रतिरोध, किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या क्या होता है, इसको आपको याद रखना है। इस वाले क्वेश्चन को मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस खाली इंपॉर्टेंट को जितने भी क्वेश्चन है बस का आप ये देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगर आप बोलोगे इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि पूरा का पूरा यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना होगा और इस वीडियो को शेयर करना होगा, तभी मैं ये काम कर पाऊंगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट को परिभाषित कीजिए। किलोवाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, और शक्ति का एक और मात्रक होता है वाट, किलोवाट, मेगावाट, ठीक ना। सभी जितने भी शक्ति के मात्रक होते हैं उसको आपको परिभाषित करना है, ठीक, इसको भी तैयार करके जाना, बोर्ड के पेपर में छपेंगे। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कैसे किया जाता है, इस वाले क्वेश्चन को तैयार करके जाना। और यहाँ पे देखो, मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा भी ओम का नियम क्या होता है, इसकी कथन क्या होते हैं, और साथ ही साथ ओम के नियम का किस तरीके से आप सत्यापन कर पाओगे, उसका भी फुल डिटेल्स आज ही की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगा, ठीक ना। इस वाले क्वेश्चन को पक्का तैयार करके जाना, वरना बहुत बड़ी गलती कर जाओगे, ठीक ना। 90% स्कोर यही सारे क्वेश्चन करवाएंगे आप सभी को। अगला क्वेश्चन जो कि आपको तैयार करके जाना है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दोनों नियम आप तैयार करके जाना, ठीक ना, वरना बहुत बड़ी गलती कर दोगे, ठीक है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन छपेंगे आप सभी को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय नियम क्या होता है, उसके बारे में लिखना है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आ ही गया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, उसके बारे में लिखना है। और ये जो क्वेश्चन अब अगर आप देख रहे हो, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र तथा कार्यविधि लिखिए। सबसे पहले वैद्युत मोटर क्या होता है उसका परिभाषा देना होता है, इसका फिगर बनाना होता है, और इसका वर्किंग क्या होता है इसको लिखना है। ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में आता है, और ये क्वेश्चन का नंबर मिलता है 7 नंबर, ये क्वेश्चन 7 नंबर वाला है, ठीक ना। तो अगर आप चाहते हैं पूरा का पूरा A to Z सोल्यूशन करना पेपर में, तो वीडियो के शुरू से एंड तक देखो, और इसका आप सोल्यूशन भी मांगोगे मैं तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से, कि विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाकर उसका कार्यविधि का वर्णन करिए। ये भी आपका 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर में, 7 नंबर में, ये पक्का दोनों में से एक आएगा, गारंटी है, 101% मैं गारंटी दे रहा हूँ, दोनों के दोनों क्वेश्चन फंसेंगे आपके पेपर में, ये मेरा 100% दावा के साथ बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन उसी चैप्टर से, दिष्ट धारा जनित्र, DC जनरेटर, DC मोटर और DC जनरेटर, तीनों के तीनों क्वेश्चन जितने आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तीनों 7 नंबर में पूछे जाएंगे, तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे, गारंटी बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कि वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं उसके बारे में लिखिए,
वर्ड भी छेपड़ इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 7 नंबर में आता है, ठीक ना, सीधे 7 नंबर में, कि मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। सबसे पहले ह्यूमन आई का फिगर बनाना है, फिर उनके विभिन्न अंग को दर्शाना है और उसके बाद उसका नाम भी लिखना है, ठीक ना। आयरिस कहाँ पाई जाती है, पुतली कहाँ पाई जाती है, पक्षमा भी कहाँ पाई जाती है, सिलेरी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, अंधविदु कहाँ पे होता है, रेटिना कहाँ पे होता है, सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको इसी के मतलब कि क्वेश्चन के माध्यम से समझाना पड़ेगा, तभी आप 7 में 7 नंबर स्कोर कर पाओगे। समझ रहे बात को कि नहीं। अगला क्वेश्चन कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। पक्का ये गारंटी बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएगा, पक्का बोल रहा हूँ, 101% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पक्का क्वेश्चन पूछेगा। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, कितने में, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन गारंटी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा। नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता वो होती है जो कि नेत्र की फोकस दूरी को एडजस्ट करके वस्तुओं को हम आसानी से देख पाते हैं, वो आपकी नेत्र की समंजन क्षमता होती है। इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक ना। अब देखो 3 क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से हैं, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण किस प्रकार करोगे, और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी पूछा जाता है। साथ ही साथ निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का किस तरीके से आप निवारण करोगे। सेम टू सेम यही होता है क्वेश्चन कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति कौन सा लेंस यूज करते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसकी मेन कमियां क्या होती है, ठीक ना, आंख में क्या हो जाता है। तो इन 3 क्वेश्चन को आप तैयार करके जाना, ठीक ना, ठीक ना, समझ रहे बातों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 में से 1 क्वेश्चन आपके पेपर में 7 नंबर में देखने को मिलेगा। कितने में, 7 नंबर में देखने को मिलेगा, दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, और दर्पण के सूत्र को फार्मूला सहित डिराइव करिए या इसको लिखिए, और दर्पण के सूत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो एक न्यूमेरिकल की मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, स्पेशल वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप परेशान मत होना। लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना आप तैयार करके जाना, वरना बहुत बड़ी गलती करके जाओगे, ठीक ना। अगर आप मेरे प्यारे विद्यार्थी हो तो जितना मैं बोल रहा हूँ सभी को तैयार कर लेना। अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे 90% अच्छे से स्कोर करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, ठीक ना, और वीडियो को एक बार शेयर कर देना दोस्तों में, ठीक ना। अब यहाँ पे चलो मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या होती है, उसके बाद हम लास्ट में करेंगे ओम का नियम क्या होता है और ओम के नियम को आप किस तरीके से सत्यापन करेंगे, लास्ट में इसको बताएंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन 7 नंबर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, 7 नंबर में, ठीक ना। उसके से पहले हम इसको करते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो इस दोष से पीड़ित, देखो जिस तरीके से मैं लिखा हूँ इसी तरीके से इसी लैंग्वेज में आपको पेपर में बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। सबसे पहले यहाँ हेडिंग लगा होगा दूरदृष्टि दोष, और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे देगी, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। समझ रहे बात को। अब देखो इसका रीजन क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होने का रीजन ये होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, जो रेडियस होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वक्रता कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक ना। और सेकंड रीजन ये होता है कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। जब नेत्र लेंस कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगा, अर्थात नेत्र के गोला का व्यास कम हो जाना। यहाँ पे देखो नेत्र के गोला का व्यास कम हो जाना, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, यहाँ पे इसकी रेडियस कम हो गई है, रेडियस क्या हो गई, कम हो गई है, और कम होने की वजह से इसकी फोकस दूरी बढ़ गई है, ठीक। फोकस दूरी यहाँ पे होना चाहिए तो यहाँ पे आ गया है, रेटिना पे नहीं बन रहा है इसका चीज़, ठीक ना। इसलिए इसका निवारण के लिए हम क्या करेंगे, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस क्या होता है, नज़दीक की वस्तु देखने के लिए काम करता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है।
निकट में क्या होगा, निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। और दूरदृष्टि में क्या होगा, दूर का दिखाई तो देगा लेकिन नज़दीक का दिखाई नहीं देगा। और नज़दीक का देखने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो अगला टॉपिक ये है कि इसका कारण क्या क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष होने का वजह क्या होता है। तो ये होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, उसमें क्या हो रहा था घट जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या होगा बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। देखो यहाँ पर रेटिना ये है और रेटिना से पहले ही यहाँ पर बन गया, उसमें क्या हो रहा था ये कम हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था, ठीक ना, ये वाला चीज़ है यहाँ पर बन रहा था, ठीक, लेकिन इसमें ये पहले ही बन गया, यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लगाया गया एक अवतल लेंस, अगर आप यहाँ पे अवतल लेंस लगा दोगे तो फोकस को यहाँ पे एडजस्ट कर देगा, और आपका रेटिना पे जब यहाँ पे फोकस चला जाएगा तो आप आसानी से चीज़ों को देख पाओगे, समझ रहे हैं। इस तरीके से आपको पेपर में करना है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आसानी से 90% पार हो जाओगे, कर जाओगे, ठीक। आप सभी को पता नहीं होगा मैं खुद एक 90% स्कोरर हूँ, क्लास ट्वेल्थ में, ठीक ना, और मैंने बहुत मेहनत किया था, इसी तरीके से मैंने कॉपी भी लिखा था, बहुत ही अच्छे मन से लिखा था, तभी मैं 90% स्कोर किया था, ठीक ना। चलो अगला जो कि सबसे लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, ओम के नियम क्या होता है और ओम के नियम को का सत्यापन आप किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं समान रहे, भौतिक अवस्थाएं मतलब ताप दाब प्रेशर टेम्परेचर किसी में भी चेंज ना हो, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर ये सब क्या हो कांस्टेंट हो, ठीक, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझ रहे होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो पे व्यूज 1000 2000 5000 चला जाता है लेकिन लाइक बहुत कम होता है, तो लाइक भी आप कर दिया करो, ठीक ना। ओम के नियम के अनुसार ये बोला जाता है कि जब भौतिक अवस्थाएं समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, जो करंट होती है वो क्या होगी विभवांतर के समानुपाती होगी, विभवांतर प्रोपोर्शनल धारा, यानी कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, विभवांतर को बी से डिनोट करते हैं और करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, और यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा आर, इसका नाम होगा क्या आर होगा, ठीक। अब आर का मान क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध रुकाव अवरोध, ठीक ना। तो आर बराबर यहाँ से निकाल सकते हो वी बाई आई, ठीक। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक भी बताइए आप, तो प्रतिरोध का मात्रक आप यहाँ से निकाल सकते हो, प्रतिरोध का मात्रक जब निकालोगे तो R का मात्रक बराबर होगा V का मात्रक बटे में I का मात्रक, और सभी लोगों को पता होगा कि V का मात्रक वोल्ट होता है और I का मात्रक एम्पियर होता है, धारा का मान क्या, धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को वैज्ञानिक ओम ने इस नियम को दिया था, इसलिए क्या हुआ था कि इसका जो मात्रक आया था यूनिट आया था अपने ही नाम पर रख दिया था ओम, और ओम का ये साइन होता है, ये देख लो ओम का ये साइन होता है, ठीक सिंबल। अब देखो इसका सत्यापन आप किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे समझो सत्यापन में कुछ ज़्यादा बकवास नहीं लिखना होता है, बस खाली यहाँ पे लिख दोगे कि ओम के नियम का सत्यापन इस प्रयोग के लिए एक बैटरी एमिटर कुंजी धारा नियंत्रक यानी कि करंट कंट्रोलर प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर चित्रानुसार लगाते हैं, फिगर के अनुसार, इसका मेन फिगर ही है, ठीक, फिगर बना दोगे एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक ना। तो फिगर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैटरी यहाँ पे लगाओगे, करंट कंट्रोलर यहाँ पे होगा, कुंजी यहाँ पे लगाओगे, अपने अनुसार कुंजी बंद करोगे चालू करोगे ऑन करोगे ऑफ करोगे, ये आपका एमीटर जो कि क्या करता है करंट को मापता है, ये प्रतिरोध होता है तार का, और यहाँ पे एक वोल्टमीटर जो आपका वोल्टेज मापता है, ठीक। अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो जैसे जैसे यहाँ पे कुंजी में धारा प्रवाहित होगी, तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा, चाहे जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाओगे वोल्टेज का मान बढ़ाओगे, उतनी ही ज़्यादा करंट यहाँ पे फ्लो होने लगेगी, और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि धारा और विभवांतर दोनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में, अगर धारा का मान 10 है तो विभवांतर का भी मान 10 वोल्ट, धारा का मान 20 एम्पियर तो विभवांतर का मान भी 20 वोल्ट, धारा का मान 50 एम्पियर तो वोल्टेज का मान भी 50 वोल्ट, इस तरीके से समझ रहे ना। तो जितना अधिक आप धारा का मान बढ़ाओगे उतना ही वोल्टेज का मान बढ़ेगा, और जितना वोल्टेज का मान घटाओगे उतना ही धारा का मान भी घटेगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, समझ रहे बातों को। तो
इस तरीके से आपको करना है। और जितना मैंने यहाँ पे बताया, जितने भी इस सवाल को बताया, सारे के सारे क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको दिक्कत हो रहा है, तो बताओ, हम आपकी परेशानी को सॉल्व करेंगे, इसका ए टू जेड सॉल्यूशन लेके आएंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को देखते नहीं हो अच्छे से, और अच्छे मन से नहीं देखोगे तो एग्जाम में हल नहीं कर पाओगे, ठीक ना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।